हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हो रहा है। गुरुवार को ढली में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके नीचे एक कार दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। गलीमत रही कि कार में लैंडस्लाइड के वक्त कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ ही लैंडस्लाइड से एक मकान भी खतरे की जद में आ गया है। ढली में HRTC वर्कशॉप के पास भूस्खलन के कारण एक गाड़ी मलबे के नीचे दब गई, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि गाड़ी को सड़क किनारे पार्क किया गया था। यहां पर HRTC वर्क वाली शॉप के जगह पर चादर की रोड सेट बने हुए हैं, जो भारी बारिश के कारण कभी भी सड़क पर गिर सकते हैं। इससे आने जाने वाले राहगीरों और गाड़ियों को काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले बीते बुधवार को ढली में भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते एक लड़की मलबे के नीचे दब गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हुए थे। इसी तरह शहर में अलग अलग जगह पर भूस्खलन होने की सूचना आई थी। बरसात के दिनों में शहर में सबसे ज्यादा भूस्खलन ने तबाही मचाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर ढलान काफी अधिक होने के चलते भूस्खलन होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।